नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से चुनाव प्रचार जारी है। इधर चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग के अधिकारी भी तैयारी चल रही है। महागठबंधन और बीजेपी की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी गई है। मोकामा में एक तरफ जहां पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सोनम देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवम्बर को चुनाव होना है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को लेकर निर्वाचन आयोग तक चुनावी तैयारियों में जुट चुका है। बता दें कि नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद से पूरा चुनावी समीकरण बदल गया है। ऐसे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन बदलने के बाद से पहला चुनाव होगा। ऐसे में नीतीश कुमार का यह लिटमस टेस्ट भी हो सकता है और यह चुनाव रोचक भी होने वाला है। मोकामा विधानसभा सीट पर राजद का दबदबा रहा है। इस क्षेत्र में बाहुबली नेता अनंत सिंह का कुप्रभाव रहा। अनंत सिंह जब किसी भी पार्टी में नहीं थे तब भी वे चुनाव जीतते रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस विधानसभा पर अनंत सिंह का अलग से प्रभाव काम करता है। राजनीतिक पार्टियों में तो वोटर और उनके समर्थक हैं ही, साथ ही साथ अनंत सिंह के अपने वोटर और उनके अपने समर्थक हैं। ऐसे में अनंत सिंह जिस पाले में हैं, यहाँ की सीट उस पार्टी की तरफ जाने के ज्यादा चांस हैं। आपको बता दें कि मोकामा मुंगेर लोकसभा में आता है और यहां से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीत कर आए हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को चुनाव मैदान में हराया था। 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा सीट से अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत मिली थी। दरअसल मोकामा में असली लड़ाई अनंत सिंह बनाम ललन सिंह की हो गई है। दोनों ही नेता बाहुबली हैं। अनंत सिंह की पत्नी को राजद की तरफ से टिकट मिला है, तो वहीं ललन सिंह की पत्नी को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि साल 2015 के बाद यह पहला मुकाबला हो रहा है जिसमें दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा टक्कर देखने को मिल सकता है। ललन सिंह बिहार के बाहुबली नेता सूरजभान सिंह के चचेरे भाई हैं। अगर ललन सिंह के राजनीतिक सफर को अगर हम देख लें तो सबसे पहले रामविलास पासवान की पार्टी से रहे, उसके बाद पप्पू यादव की पार्टी जनाधिकार पार्टी में रहे। इस दौरान अनंत सिंह और ललन सिंह के बीच में राजनीतिक मुकाबला भी देखने को मिला था, लेकिन ललन सिंह को उस समय उसका लाभ नहीं मिला। इसके बाद अब जाकर ललन सिंह को बीजेपी का साथ मिला है और अनंत सिंह को टक्कर देने के लिए वो एक बार फिर से मैदान में उतरे हैं। ललन सिंह बीजेपी के आने से पहले जदयू के भी सदस्य रहे। ऐसे में अब यह मुकाबला रोचक हो गया है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि दो बाहुबलियों के बीच में मुकाबला हो रहा है। ऐसे में यह कहा गया है कि इस बार होने वाले उपचुनाव में बीजेपी के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना ही यह जदयू के लिए भी है। ऐसे में अब देखना है कि जनता किसे अपना विधायक चुनती है। हालांकि इस पूरे क्षेत्र में हमने पहले भी कहा अनंत सिंह का वर्चस्व रहा है। भले ही राजनीतिक पार्टियां किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़ते रहे हो, लेकिन इस बार जिस तरह से मामला ललन सिंह बनाम अनंत सिंह का हुआ है, यानी कि ललन सिंह की पत्नी बीजेपी से चुनाव मैदान में है तो उधर अनंत सिंह की पत्नी आरजेडी की तरफ से चुनाव मैदान में है, तो इन दोनों के बीच में जो है एक कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और मीडिया में भी ये खबरें खूब चल रही है कि इस बार बाहुबली बनाम बाहुबली का चुनाव मोकामा में देखने को मिल सकता है। तो ये थे मोकामा विधानसभा सीट्स को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।